वो 2002 2003 का मध्य प्रदेश हम ना भूले, जब सड़कें नहीं, सड़कों को तो हमें ढूंढना पड़ता था, केवल गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे। सदैव के लिए पूर्ण रूप से एक शिकस्त दिलवाई और इस तरीके से शिवराज सिंह की सरकार को विकास और प्रगति के पथ पे स्थापित करवाया था। पंद्रह साल सरकार रही, नए नए हाईवे बने। मैं याद दिलाना चाहता हूं सांवेर के वासियों को, ये इंदौर और उज्जैन की हाईवे की स्थिति क्या होती थी। आज देश के एक कोने से दूसरे कोने, ग्वालियर चंबल संभाग में अटल एक्सप्रेसवे, निमाड़ में महाराष्ट्र के बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे, महाकौशल में जबलपुर से डिंडोरी तक एक्सप्रेसवे, विंध्याचल में कानपुर और अलाहाबाद तक एक्सप्रेसवे, और इंदौर से निकलते हुए धार से झाबुआ अलीराजपुर से गुजरात तक एक्सप्रेसवे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है मेरे भाई और बहनों। आज मेरे किसानों को जो समय 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, याद है कि नहीं? नहीं मिलती थी, और जब बिजली 4 घंटे मिलती भी थी, एक ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिनको मैं कहता हूं तजुर्बे के मुख्यमंत्री थे, 2003 तक बिजली जब मिलती भी थी गांव में खेत में, तो रात के 2 बजे से 4 बजे तक मिलती थी। आज मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में गांव गांव में चाहे सिंचाई की योजना हो, बिजली की बात हो, अगर ये संभव हो पाया है तो डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो पाया। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं तुलसी सिलावट जी को। मुझे याद है ये सांवेर, जिस सांवेर के लिए जब पिछले बार में आया था मैंने कहा था कि सड़क हम लोग बनवाएंगे, मैंने कहा था कि चंद्रावती गंज में शटल में चलवाऊंगा, और जब मैं वापस सांवेर आया तो वो सभी कह के पूर्ण रूप से सार्थक करके, सिंधिया परिवार की एक सोच है कि जान जाए जान जाए। और आज मुझे बधाई मैं देना चाहता हूं हमारे सांवेर की पूरी टीम को, चाहे हमारे सांसद शंकरलाल जी हो, राजेश सोनकर जी हो, सावन सोनकर जी हो, हमारे मंडल अध्यक्ष हो, हमारे तुलसी सिलावट जी हो, कि आज सांवेर को प्रभु राम जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल, आधुनिक अस्पताल दिलवाया। आज हमारे देश में प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं। एक स्वस्थ देश होगा, एक शिक्षित देश होगा, तो आज मुझे ये कहते हुए यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2013-14 से आज तक 8 सालों में भारत 11 नंबर पे थी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में, 8 साल में आज हम 5 नंबर पर आ गए हैं मेरे भाई और बहनों। और यह संभव है आपके परिश्रम के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और किसको पीछे ढकेला है हमने, जो इंग्लैंड भारत पर राज करने का सपना देखता था उसी इंग्लैंड को प्रधानमंत्री जी ने ढकेल कर भारत को आगे कर दिया है। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत।
और ये देखो तजुर्बा, क्या युग है भारत माता का कि केवल इंग्लैंड को पीछे नहीं किया, आज इंग्लैंड में प्रधानमंत्री है तो वो भारत का प्रधान, भारत के प्रधानमंत्री बन चुका है ऋषि सुनक जी। जो भारतीयों को पीछे ढकेलते थे, आज प्रवासी भारतीय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन चुका है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आज भारत 5 नंबर पर है, पर 2030 तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा मेरे भाई और बहन। और उसका एक उदाहरण हम सावेर में देख रहे हैं, तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में, शंकर ललवाली जी के नेतृत्व में, प्रभु राम जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आज सावेर का कायाकल्प हो रहा है। ये आपका बच्चा, आपका सैनिक, आपका कार्यकर्ता, जो आपके घर घर का बच्चा है, आज इसने सावेर का झंडा पूरे मध्य प्रदेश में गाड़ के रखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो तो आज सावेर में 50 बिस्तर का अस्पताल का लोकार्पण हम कर रहे हैं और आधुनिक अस्पताल, मैंने स्वयं निरीक्षण किया, एक एक आयुध आधुनिक संयंत्र लगे हैं, उपकरण लगे हैं, हमारे डॉक्टर्स हमारी नर्सेस आतुरता से जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। और मैं सलाम करता हूं हमारे सारे डॉक्टर्स को, मैं प्रणाम करता हूं हमारी सारी आशाओं को, हमारी सारे नर्सेस को, जिन्होंने कोविड के जमाने में अपनी जिंदगी की फिक्र न करते हुए देश की जनता के लिए सेवा किया। तालियों की गड़गड़ाहट से अब उनका धन्यवाद करें। अरे ये तालियां सावेर की नहीं है, पीछे से मेरी अम्माएं, तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेस का हम लोग धन्यवाद अर्पित करें। उस कोविड के जमाने में, जिस कोविड के जमाने में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री यहां इंदौर ही आए थे और कोविड की फिक्र नहीं थी उनको, कोरोना की जनता के लिए फिक्र नहीं थी, वो तो इंदौर आए थे आईफा अवार्ड में। अभी नेता और अभी नेत्री के साथ खड़े होने के लिए एक अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया, एक अस्पताल में नहीं गए, ये कांग्रेस का चेहरा है मेरे भाइयों और बहनों। और क्या भ्रष्टाचार किया 15 महीनों में, और इसलिए मैंने सौगंध खाई, अब तो आर्या आर्या। और मैं उतर गया मैदान में, मुझे कहा गया आ जाए मैदान में, मैं उतर गया मैदान में, क्योंकि मैं वो राजमाता विजयराजे सिंधिया का पोता हूं जिन्होंने डीपी मिश्रा की सरकार को भी जब जनता के साथ भ्रष्टाचार किया था सबक सिखा दिया था। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने विकास की अलख जगाई है सावेर में, जिस भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की सुविधा चाहे सावेर में हो, कनाडिया में हो, कंपेल में हो, मांगलिया में हो, चाहे हम बात करें सिंचाई की सुविधा, 13 करोड़ के स्टॉप डैम, हमारे घाट बैराज, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने संकल्प लिया था कि मां नर्मदा का पानी लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा सावेर के जन जन को हम पिलाएंगे, वो 3000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना आज सावेर क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई है। तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी को हम धन्यवाद अर्पण करें। अरे ऐसे ताली बढ़नी चाहिए कि शिवराज सिंह जी को सुनाई दे तालियों की गड़गड़ाहट से। ये योजना केवल आप लोगों के लिए नहीं, ये योजना सावेर के आने वाले 3 पीढ़ियों के लिए है। गांव गांव में एक किसान,
पंजाब के किसान के रूप में विकसित और प्रगतिशील होगा। रात को इंतजार नहीं करना होगा सिंचाई के पानी के लिए, और सांवेर और इंदौर और मालवा की फसल तो भारत में राष्ट्र स्तर की फसल नहीं है, हमारा मालवा का फसल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फसल है मेरे भाई और बहन। यहां की सोयाबीन, यहां का एक एक फसल अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका नाम है, इसका पूरा पहचान है। और ये सिंचाई की योजना हमारे मालवा अंचल और खास करके इंदौर और सांवेर को मध्य प्रदेश का पंजाब बनाकर छोड़ेगी। तो चाहे सिंचाई की योजना हम देखें, शिक्षा के क्षेत्र में सांवेर महाविद्यालय को 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, 2 सीएम राय स्कूल बनने वाली हैं, आईटीआई बनने वाले हैं, 120 करोड़ रुपए से 40 नए सड़क बनने वाले हैं। आपने जो मांगा वो भारतीय जनता पार्टी और तुलसी सिलावट जी ने करके दिखाया है। आपने जो मांगा भी नहीं वो भी इन्होंने पूरा करके दिखाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। तो आज मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज बधाई का माहौल है, आज शुभकामनाओं का माहौल है, लेकिन आज वो दिन भी है जब हम वर्तमान में एक जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम अपने अतीत को भी ना भूलें। जो अतीत मध्य प्रदेश का अंधेरा में रखा गया था, उस अतीत को बढ़ाकर ज्योति के प्रकाश के उजाले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लेके आए हैं, उस ज्योति के प्रकाश को उजागर करके रखना होगा और 2023 के आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस कमल के फूल को दोबारा खिलाना होगा। यही संकल्प के साथ हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोले, पीछे मेरी अम्माएं, मेरे साथ बोले, भारत।